दोस्तों वेलकम, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और मैं हूं अभी बलरामपुर। तो दोस्तों ये है बलरामपुर। कल हम आए थे तो कल दोस्तों हम दवा लेने आए थे यहीं पर, और दवा कल मिला नहीं था, मेडिकल था बंद, तो बस इसी कारण से आज आया हूं दवा लेने। और अभी हम अम्बेडकर चौराहे के पास में हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है अम्बेडकर चौराहा बलरामपुर का, और अभी हम जा रहे हैं दवा लेने दोस्तों। तो बस दवा ही पास में मेडिकल है, और ये है अम्बेडकर चौराहा। यहाँ पर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति भी स्थापित है। और अभी मैं सामुदायिक केंद्र के पास में हूँ दोस्तों। तो ये बलरामपुर का सामुदायिक केंद्र, आप यहाँ देख सकते हो इस तरफ तो मिलेगी। और यहीं पास में मेडिकल है, राज मेडिकल स्टोर, तो यहीं पर दवा मिलती है, या फिर बहराइच में मिलती है। तो यहाँ थोड़ा बलरामपुर नज़दीक पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहीं से दवा ले लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने दवा खरीद लिया है, ये हमारी दवाई है, और 135 रुपये की 10 गोली मिलती है। तो यहीं बलरामपुर में राज मेडिकल स्टोर पर मिलता है, या फिर बहराइच डॉक्टर एस के वर्मा के स्टोर पर मिलता है, बाकी कहीं ये दवा मिलता नहीं है। तो इसीलिए हमें जब मतलब घर से यहाँ आना पड़ता है। और तो अभी हम यहीं अस्पताल के पास में हैं, यहीं पर मेडिकल पड़ता है, और अभी यहाँ से चल रहे हैं। तो अभी यहीं सैमसंग केयर पर आए थे, थोड़ा मोबाइल दिखाना था हमको, तो अभी तो हमने मोबाइल दिखा दिया और यहाँ से चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं बलरामपुर के भगवतीगंज में हूँ, और भगवतीगंज घर आप देख सकते हो पेट्रोल पंप। तो अभी मैं यहीं पेट्रोल पंप के सामने IMC कंपनी की एजेंसी यहाँ पर है, तो यहीं पर विनय कुमार जी दवा ले रहे हैं, और विनय कुमार जी के साथ में आए थे। तो कल हम तो अपने गाड़ी से आए थे, पर आज विनय कुमार जी के साथ में आए, क्योंकि विनय कुमार जी आ रहे थे अपना दवा लेने। तो हमने कहा चलो भाई हम भी आपके साथ में चलते हैं, और अपनी दवा भी हम ले आते हैं। तो वहाँ भाई अभी दवा मतलब अपना पैक करवा रहे हैं, और उनकी गाड़ी यहाँ बजाज पल्सर आप देख सकते हो सामने की तरफ। और दोस्तों अगर कल वाला वीडियो आप देखना चाहो तो यहाँ आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ये अगर मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।